एनकेआरजे भारत न्यूज की टीम आज खड़ी हुई है हरियाणा के एक बोलनी गांव के अंदर, और आप मेरे साथ युवा और बुजुर्गों का जो कॉम्बिनेशन है वो देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अब की बार फिर से टिकट मिला है राव इंद्रजीत सिंह को, और कांग्रेस से अब की बार एक नया चेहरा, हरियाणा के लिए नया चेहरा हो सकता है राज बब्बर, जो 5 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के राज बब्बर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राजा साहब हो, जिनको राव इंद्रजीत सिंह के नाम से जाना जाता है, और दोनों ही आज तक अजय रहे हैं, आज तक हारे नहीं हैं। ऐसे में जनता किस ओर रहेगी, हम जनता से पूछेंगे। ये जनता है जो अधिकतर यहाँ पर वो लोग हैं जो वोट डाल के आ चुके हैं, ऐसे में जनता क्या कह रही है? नाम क्या है सर अपना? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, वोट डाल के आ गए आप? एक बार दिखाओ हमारे दर्शकों को उंगली ना। तो ये देखिए कि नरेश कुमार जी वोट डाल के आ चुके हैं। जब आप वोट डालने गए थे तब मन क्या था? मोदी का। मोदी का? तो आपको लगता है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, काम क्या क्या करवाओगे तीसरी बार अगर मोदी जी आ गए तो? काम तो सारा ही बढ़िया कर रहा है, खराब कौन सा कर रहा है? अब कौन कौन से काम बच रहे हैं जो करवाने? बच रहा है वो भी कर देगा, सारा काम करेगा वो तो। और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। वोट डाल के आ गए आप? नहीं, डालूंगा अभी। अभी आप डालोगे? जब वोट डालने जाओगे तो क्या मन में रहेगा आपका? क्या मोदी को देंगे वोट? क्या बात है, मोदी। अच्छा एक बात बताइए, इस बिल्हा हेड़ी गांव है ये, कौन सा पता है? बोलनी। बोलनी गांव है ये हरियाणा का, और राजस्थान से सटा हुआ गांव है। और जब राजस्थान से हरियाणा के अंदर हम प्रवेश करते हैं हरियाणा के दक्षिणी छोर की तरफ से, तो बोलनी गांव ये है जो फर्स्ट गांव आता है। तो ये हरियाणा का प्रथम गाँव कह सकता हूँ मैं दक्षिण दिशा की तरफ से। तो ऐसे में क्या मन रहेगा आपकी बार, कौन कौन से काम करवाना चाहोगे बिल्कुल राजस्थान से छूटते हुए अपने इस गांव में? पानी का काम होना चाहिए यहाँ। पानी, नहर है अपने इस गांव में? नहीं है। कभी बोला आपने सांसद महोदय से कि भाई नहर नहीं है हमारे यहाँ? कई बार बोल चुके हैं लेकिन अभी तक तो आया नहीं। राव इंद्रजीत सिंह काम नहीं कराते फिर भी मोदी को वोट? मोदी को दे रहे हैं ना वोट हम। अच्छा ये बात है, वोट मोदी को देते हो इसलिए मोदी काम करवाएंगे, राव इंद्रजीत सिंह को वोट नहीं देते इसलिए राव इंद्रजीत सिंह वोट काम नहीं कराते? नहीं, काम करवाओ, काम चलाए नहीं, पानी आया नहीं है। पानी नहीं आया, नहर भी नहीं आई? नहीं आई। वहाँ तो राजस्थान के अंदर नहर की मांग हो रही है हरियाणा से आ जाए, पर यहाँ तो हरियाणा के गाँव में ही मांग है कि हरियाणा के अंदर इन गाँव के अंदर नहर आ जाए। नाम क्या है दादा अपनो? मामन सिंह। कैसा लगा वोट डालिए आप? क्या बात है, वोट डालने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? मोदी डाल गया, राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत, कारण? कारण बढ़िया आदमी, बढ़िया काम कर रहा है। मैंने सुना है राव साहब के बारे में, वो कह रहे हैं बोलने का, बोलने का, पानी के कितना बोलने का गोद ले रखा है राव साहब ने? भाई साहब तो पानी की प्रॉब्लम बता रहे हैं। पानी के वो करा जो पानी ना हर बात आ रहा है, पानी कमी जरूर है, पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, अभी तक नहीं आया है। काम खूब करो इंद्रजीत, और नहीं आएगा। नहीं आएगा, कारण? कारण ये कर, देखो ये बड़े लोग ये बैठते हैं, ये करवाएंगे। नहर नहीं है वहाँ, नहर में पानी अपने इस गांव में नहर है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब क्यों को जब आप हम कहते हैं वो ऊपर वाला देगा, क्यों को जो हमारे कहीं बताओ? वोट तो दे, वोट जाएंगे राव साहब की, जीत देते हैं। वोट बीजेपी को ही जाएगी। नहर लाओ चमत लाओ। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो ग्रामीण है, नाम क्या अपने बाबू जी? महावीर सिंह। वोट डालिए? कभी ना डाल कर। नहीं डाल के? क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट डालने जाओगे, क्या सोच के डालोगे? ये बात तो है कि मोदी की लहर कम है पहले के मुकाबले, पर मोदी जी 400 पार होंगे नहीं होंगे? 220 के पास जाएगा। 220 के पास रहेंगे। मैंने सुना है इस जो अपना आपका ये गांव है इसके अंदर नहर नहीं है? नहर नहीं, पीने का पानी नहीं है जी। पीने का पानी नहीं है इस गांव के अंदर? खारा पानी आता है वाटर सप्लाई के अंदर। 5 बार सांसद है, मीठा पानी आता नहीं है। 5 बार के सांसद है राव, पानी डेली गांव लेता 5000 रुपया का, खरीद के पीता है। खरीद के पीता। और भी मेरे साथ यहाँ पर युवा भाई मौजूद है, नाम क्या है सर अपना? सुशील कुमार जी, वोट डालिए? तो क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? मैं तो कांग्रेस के डाल गए। कारण क्या? नया चेहरा आ रहा है, देखो क्या काम करके दिखाएगा। क्या बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बीजेपी कह रहे हैं, और बहुत सारे बीजेपी नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं या तो मोदी, और ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी वर्सेस कांग्रेस, यही बात है ना? ये मोदी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव हो चुका है। और भी मेरे साथ यहाँ पर युवा और बुजुर्गों का जो कॉम्बिनेशन है, नाम क्या है? धर्मपाल। काम क्या करते हो? काम मजदूर का।
मजदूरी करता है। मजदूरी रोज मिल जाती है? मिले ना मिले, जो कुछ करता है वही कर रहा हूँ। तो मिले जब भी ठाली रह लिया, नहीं तो मिल जाए तो काम कर ले। अब जब आप वोट डालिए? नहीं वोट डालेंगे। क्या मुद्दे रहे जब वोट डाले जाओगे कुछ देर बाद? क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम घड़ी आ चुकी है, बूथ के पास खड़े हो बिल्कुल। मोदी का मुद्दा है हमारा, तो मोदी ने जो देश को विकास में आगे कराया उससे ज्यादा कोई कर ना तो आगे कर सके भविष्य में, और ना कोई उम्मीद है। तो हम तो वोट मोदी को दे रहे हैं। योगी बाबा? योगी बढ़िया है, सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे मोदी के बाद योगी रहेगा? योगी रहेगा। दादा नाम क्या अपना? अपना मनोज कुमार जी, कैसे लगा आपकी बात नरेंद्र मोदी को शासनकाल? भाई शासनकाल तो पीछा को तो खराब लगो, आगा को देखो उम्मीद है दोबारा तिबारा आए। मुश्किल है आपकी बात? 250 पार मुश्किल, 250 पार मुश्किल है। हरियाणा के जो गांव के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, क्या नाम है अपना? भीम सिंह जी, बहुत भारी नाम है आपका, भीम नाम महाभारत से बड़ा प्रसिद्ध है। तो ऐसे में ये भीम सिंह किस तरफ है आपकी बात? बीजेपी तरफ अपने मोदी सरकार। बात है सारे पांडव सरकार के है, सब मोदी सरकार के, 250 पार ना हो। आएगी मोदी सरकार लेकिन 250 पार ना हो। आएगी मोदी सरकार लेकिन 250 पार नहीं होंगे। और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग, मुझे नाम के दादा अपनो? हंसराज जी। किसे वोट करके आए हो? क्या मुद्दे क्या रहे? चलो वोट किसे भी करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो किससे मतलब है? सिर्फ मोदी से मतलब है, मोदी की डाल का है। क्या बात है बाबूजी, मोदी के वोट डाल के आए हैं। और मैं चाहूंगा मेरे जो कैमरामैन है वो इस चीज को दिखाए कि जो हरियाणा का ये गांव है बिलाहेड़ी, जो हरियाणा का ये गांव है बोलनी, उसका जो मतदान बूथ है उसके बिल्कुल पास युवाओं ने अब की बार जो एक धर्म का कार्य कर रहे हैं, ठंडा पानी पिला रहे हैं इस गर्मी के अंदर, मीठा पानी पिला रहे हैं जिसको हम शरबत कहते हैं। और मैं जो ये मेरे साथ युवा भाई कार्य कर रहे हैं, हम इनसे आपको रूबरू कराना चाहेंगे। नाम क्या है बाबूजी अपना? टिंकू बाबूजी, ये जो कार्य कर रहे हो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे, जो लोग आए हैं यहाँ पर उनको आप ठंडा पानी पिला रहे हो, और भी जो लोग हैं जो मेन रोड से जा रहे हैं आ रहे हैं कर रहे हैं, जनसेवा है। वोट चाहे कोई किसी दो, आप पानी सबको पिलाओगे? पानी सबको पिलाएंगे, कोई दो या मत दो, कोई भी दो चीज मत दो, पानी सबको मिलेगा, पानी सबको मिलेगा। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो युवा साथी है उनसे भी हम बात करें। नाम क्या अपना? हेमंत जी। वोट डालिए आप? अभी नहीं डाले, भी डालूंगा इस पर पानी पिला। तो जो लोग अभी तक वोट नहीं डाल के आए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द वोट डाल? वोट डाल दिए। क्या बात है। तो ये देखिए मेरे साथ ही बोलनी की जनता, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हम हमारे वीडियो और चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको हरियाणा के अधिक से अधिक बूथों पर जाकर और दिखाएंगे कि जनता अब की बार किस ओर है। यहाँ बिला जो बोलनी गांव है इसके अंदर कहा जा रहा है कि बहुत सारे मोदी, बहुत सारे योगी, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आएगा मोदी लेकिन 250 पार नहीं होगा। देखते हैं अगली वीडियो में लोग क्या रुझान देते हैं।